जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आखिर किस तरह से गैंगस्टर चयन सिंह के जो कि दुर्लभ कश्यप का बदला लेने के लिए एक पे एक आपराधिक काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं जो खबर बताने वाला हूं, शायद आप उस खबर को जान करके चौंक जाओगे, क्योंकि जो लोग लगातार दुर्लभ कश्यप की खबर को देख रहे हो तो उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ही पुख्ता है। और आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह से दुर्लभ कश्यप गैंग जो कि अब कमजोर पड़ने वाली है। दरअसल बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग का मास्टरमाइंड चयन सिंह, जिसके ऊपर हाल ही में यह आरोप लगा था कि उसी ने इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर अनिल दीक्षित को गोली मारा था। आप सबों को यह भी पता होगा कि अनिल दीक्षित के मरने के बाद इंदौर पुलिस, जिसने कि चयन सिंह के ऊपर 30,000 का इनाम रखा था, यानी कि जो कोई भी चयन सिंह का पता बताता उस व्यक्ति को 30,000 का इनाम दिया जाता। लेकिन चयन सिंह के बारे में ये बताया जा रहा था कि जब उसने अनिल दीक्षित का हत्या करा तो हत्या करने के बाद वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को धमका रहा था जो लोग कि अनिल दीक्षित के पक्ष में गवाही देता। हालांकि ये बताया जा रहा है कि चयन सिंह जो कि पिछले 10 दिनों से पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रहा था और वो बार बार अपना लोकेशन चेंज कर रहा था और बार बार ऐसा हो रहा था कि पुलिस वालों को भी दिक्कत आ रही थी उसे पकड़ने में। हालांकि इसी बीच बताया जाता है कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर चयन सिंह और गैंगस्टर सानू सागर को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार इन लोगों का अरेस्ट हुआ कैसे, कैसे ये लोग गिरफ्तार हुआ। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह आती है कि गैंगस्टर चयन सिंह, जिसने कुछ समय पहले शाहनवाज खान को भी धमकी दिया था, चलो धमकी देना तो आम बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार सोशल मीडिया पर आता है और सोशल मीडिया पर लाइव आने के बाद ये लोग किसी को भी धमका देता है। क्योंकि चयन सिंह जो कि हमेशा से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे अधिक एक्टिव रहा है और आज के समय में चयन सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि इंस्टाग्राम पर लगभग 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो बताया जाता है कि चयन सिंह जब भी कोई कांड करता है तो कांड करने से पहले वो अपने अपराध का खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से देता है। हालांकि आपको बता दें कि चयन सिंह जिसके ऊपर कि हाल ही में आरोप लगा था कि उसी ने अनिल दीक्षित का मर्डर करा और मर्डर करने के बाद वो फरार हो गया था। अब देखो, मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि अनिल दीक्षित और चयन सिंह का दोस्त सानू सागर, दोनों के बीच कुछ समय पहले विवाद हुआ था। और ये विवाद असल में जब मैंने पता करा तो ये पता चला कि ये विवाद जो कि प्रॉपर्टी का विवाद था, तो सानू सागर और अनिल दीक्षित दोनों के बीच एक तरह का विवाद चल रहा था। लेकिन सानू सागर जो था वो चयन सिंह का दोस्त था, तो इसीलिए जब सानू सागर ने अनिल दीक्षित को कहा कि तुम्हें तो चयन देख लेगा, तो उसके बाद चयन सिंह के पास ये शिकायत गया और चयन सिंह और सानू सागर दोनों ने मिलकर के अनिल दीक्षित को इस दुनिया से ही उठा दिया। तो आज के समय में अनिल दीक्षित जो कि जिंदा तो नहीं है, लेकिन पिछले 10 दिनों से इंदौर पुलिस जो कि मशक्कत कर रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद चयन सिंह और गैंगस्टर सानू सागर, आप कह सकते हो गैंगस्टर सानू सागर भी, तो दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है ग्वालियर से। तो फाइनली इन लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या दुर्लभ कश्यप गैंग अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चयन सिंह ही था जो कि इस गैंग को हैंडल कर रहा था। और जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कुछ समय पहले दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरीमोन, जिसे कि गिरफ्तार करा गया था, क्योंकि कुणाल डोरीमोन ने भी कई तरह का आपराधिक काम करा था। और कुणाल डोरीमोन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उसने केकेसी गैंग के सरफराज खान को लगभग 22 बार चाकुओं से मारा था और 22 बार चाकुओं से मारने के बावजूद भी सरफराज खान जो कि जीवित रह गया था। तो बाद में पता चला कि कुणाल डोरीमोन ही था जिसने कि सरफराज खान के ऊपर वार करा था। तो फाइनली कुणाल डोरीमोन को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज तक कुणाल डोरीमोन जो कि जेल से बाहर नहीं आया है और अभी फिर से जो कि चयन सिंह जो कि अभी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। तो ये खबर मुझे मिला अभी, बहुत ही मशहूर पत्रिका है अमर उजाला, शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो अमर उजाला के माध्यम से ये खबर मिला था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आखिरकार चयन सिंह को कितने दिनों की सज़ा मिलती है, इसके बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आप सबों को बताऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाया था कि डार्लिंग एक दिन इतना बड़ा काम कर देंगे, डार्लिंग एक दिन इतना बड़ा काम कर देंगे कि हम अपने दुश्मनों का जीना हराम कर देंगे। तो कुछ इसी अंदाज में चयन सिंह जो कि अपना बंदूक लहरा रहा था, लेकिन आज के समय में चयन सिंह जो कि गिरफ्तार हो चुका है। तो देखो, कभी भी किसी भी तरह का आपराधिक काम नहीं करो, और यदि करोगे तो भाई साहब जेल में जा करके हवा तो लगाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो और ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। अगर बुद्धिमानी ही करना है तो अच्छा काम करने में बुद्धिमानी करो। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।